पर मेरी से कर लो। अच्छा चलो आगे। हेलो नहीं नहीं यहीं पर से। अच्छा हेलो यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा तो काट। अरे भैया मैं यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा तो हमारे लोकल स्टैंड के सामने पे बहुत बढ़िया से सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स में काफी बढ़िया गांधी पार्क के सामने पे मिला है बना हुआ है काफी बढ़िया से गांधी पार्क के वहाँ पर देहरादून शौचालय काफी बढ़िया टॉयलेट यूनियन क्या है काफी बढ़िया से और शौचालय के उत्तराखंड का पर्यटन विकास परिषद निर्माण इकाई एवं संचालन सुलभ इंटरनेशनल शौचालय सर्विस एक्साइजेशन उत्तराखंड राज्य शाखा देहरादून के उसमें काफी बढ़िया बना है। कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुई होगी बोलते हुए ऊपर में बोर्ड है इसलिए पढ़ नहीं पाया तो आपको दिखाता हूँ काफी बढ़िया सा है अंदर इसमें मिलता हूँ तो काफी बढ़िया सा है और देखते हैं कैसे शौचालय बना है काफी बढ़िया सा शौचालय तो आइए दिखाते हैं काफी बढ़िया शौचालय बना है और हम इसके नमस्कार जी नमस्कार काफी बढ़िया शौचालय है जो महिला शौचालय है वहां तो मैं आपको ले जा नहीं सकता हूं लेकिन जैसा बना होगा जा सकते हैं तो सर जी क्या है यहां पर तो महिला शौचालय जो बना है वो इस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन काफी बढ़िया मार्बल का काफी तो काफी बढ़िया से है नीट एंड क्लीन और काफी बढ़िया से आप देख रहे हैं डेकोरेशन काफी बढ़िया से करा हुआ है और बहुत बढ़िया शौचालय बना रखा है और आप देख रहे हैं काफी सुलभ शौचालय है और साफ सुथरा सा है। यहाँ पर बाथरूम में आप लोग नहा भी सकते हैं बाथरूम में अगर आप लोगों को कहीं पर से आ रहे हैं तो बाथरूम में यहाँ नहा भी सकते हैं और ये काफी बढ़िया से ये इंग्लिश बाथरूम बना हुआ है काफी बढ़िया भाग के आते हैं और ये इंग्लिश टॉयलेट है काफी बढ़िया से सुलभ बिल्कुल फ्रेशनेस है काफी बढ़िया से दरवाजे लगे हुए हैं सब कुछ है और ये हिंदी शौचालय बना है काफी बढ़िया से और काफी बढ़िया से वॉशिलेशन के भी काफी बढ़िया है इस तरह से चल रहे हैं और ये पानी का भी काफी बढ़िया है जैसे मैंने ऑन किया तो पानी भी काफी बढ़िया चल रहा है और काफी बढ़िया सा डेकोरेशन काफी यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कुंडी कुंडी की काफी बढ़िया व्यवस्था है जैसे इसमें अंदर से भी कुंडी ही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुंडी लगाने का काफी बढ़िया है तो इसमें बिल्कुल फ्रेश आप लोग कुंडी लगा सकते हैं और कुंडी लगाने का काफी अच्छा सिस्टम है जैसे ये बंद करा हुआ तो काफी बढ़िया से है तो इस तरह से डोर बिल्कुल बंद हो जा रहा है काफी बढ़िया खोल नहीं सकते हैं आराम से है बहुत बढ़िया शौचालय है और काफी बढ़िया सा है। साबुन रखा हुआ है बिल्कुल इटालियन बहुत बढ़िया से इंडियन देख रहे हैं आ रहा है काफी बढ़िया से है बहुत बढ़िया से है। यहाँ पर भी वॉशरूम है और टिश्यू पेपर के लिए टिश्यू पेपर रखा हुआ है काफी बढ़िया से बहुत सुंदर से बना रखा है और बहुत ब्यूटीफुल से डेकोरेशन पे है काफी बढ़िया से है और काफी अच्छा सा इसके बाद में ये है और ऑफिस यहाँ पर है कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा ऑफिस के सर आप बैठते हैं यहाँ पर सर तो सर आपका शुभ नाम सर पवन पवन कुमार जी बैठते हैं और एक आप अच्छा तो ये मैन का है पुरुष का है काफी बढ़िया से और ये भी बिल्कुल बढ़िया सा बनाया हुआ है आइए सर थोड़ा तो काफी बढ़िया से पुरुष का काफी बढ़िया से बना हुआ है शौचालय काफी बढ़िया सा है और बहुत बढ़िया से यूरिन का भी काफी नीट एंड क्लीन बना हुआ है इस समय का नया और इतने अच्छा डेकोरेशन सर लोगों ने करवा रखा है काफी बढ़िया सा है इसमें बना रखा है और काफी बढ़िया से सिंक है और सब में पानी आता है ए टू जेड में सब में पानी आता है बिल्कुल बढ़िया से पानी आता है और साबुनदान भी काफी बढ़िया सा है यहाँ पर भी पानी आता है हाँ और सब में पानी आता है काफी बढ़िया से और आप लोगों के लिए काफी बढ़िया से सुंदर से मार्बल भी इतने बढ़िया लगे हुए हैं इसमें मार्बल की डेकोरेशन देखिए काफी बढ़िया से है और बहुत सुंदर से बना रखे हैं और इस तरह के टॉयलेट हैं ये कौन से वाले टॉयलेट हुए ये तो इंडियन है इंडियन टॉयलेट है काफी बढ़िया से और फैसिलिटी काफी बढ़िया है काफी बढ़िया से और ये सब चलते हैं जैसे ये इंग्लिश बाथरूम हो गया ये सब पानी चलता है इसमें और इस तरह से पानी बिल्कुल ए टू जेड चलता है नीट एंड क्लीन रखा हुआ है काफी बढ़िया सा है और इसको बने हुए अंकल बहुत ही बढ़िया है बहुत सुंदर सा है काफी बढ़िया से बाथरूम है और कुंडियों से अटैचमेंट है सबका सब बिल्कुल बढ़िया सा है और इधर भी काफी बढ़िया से बाथरूम है सब जगह नीट एंड क्लीन है काफी बढ़िया से तो एक राष्ट्रगान तो बोलना पड़ेगा भोले जी ने पंजाब सिंधु गुजरात में राठा द्रावण चल गंगा गाय तब जगह था तब जगह था तब जगह था जय 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 है। तो ये नहाने का है आप लोगों को कभी भी कामकाज से कहीं पे भी आए तो फ्रेश पानी आता है और
ये लगे हुए वॉशिंग मशीन के काफी बढ़िया से इसमें पानी आता है, तो देखते हैं कैसे पानी चलता है। शायद पानी इसमें तो चल रहा है काफी बढ़िया से, और ये ऊपर से फंवारे से भी चल रहा है बहुत बढ़िया से। फंवारे से पानी चलने का भी काफी बढ़िया व्यवस्था है, आप लोग यहाँ नहा सकते हैं, काफी बढ़िया से पानी आ रहा है, काफी बढ़िया पानी आ रहा है, काफी बढ़िया से है, बहुत बढ़िया से करा हुआ है, तो बहुत यूनिक तरीके से बना हुआ है। और सभी में काफी अच्छे डेकोरेशन के साथ में बाल्टी तक भी अवेलेबल है, और आप लोगों के लिए काफी बढ़िया सा है। तो सर अब आप बताएं कि कितने साल पहले कब बन गया सर ये? तो अभी 4 दिन हुआ। 4 दिन हुआ है और 4 दिन में बनाया है, काफी बढ़िया है। तो सर ये क्षेत्र बताए किस क्षेत्र में आएंगे लोग? गांधी पार्क के सामने में, और उत्तराखंड राजपुर रोड गांधी पार्क में आए गए। और सर यहाँ पर बैठते हैं, तो आइए मैं सर से, यहाँ पर सर आप लोग रहते हैं? मीटिंग रूम है, तो मीटिंग रूम है, तो सर का कैबिन ही है सर, हैवी सीट, आप बैठिए सर, थोड़े पकड़ना है। पवन कुमार जी, और काफी अच्छा सा शौचालय है हमारे, इंटरेस्टिंग। अब आपको बाहर का व्यू देख सकते हैं, खासे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन का बटन दबाएं। ये हमारे उत्तराखंड का जो विकास हुआ है, उस विकास के ऊपर में जोरदार गुड वर्क का एक डिजाइन है जो ऐसा आपको दिखा रहे हैं। ये विकलांग के लिए, तो विकलांग लोग भी यहाँ जा सकते हैं, और काफी बढ़िया से, तो हमारे इतने सुंदर से डेकोरेशन जो करा है 2024 में आप लोगों ने प्रधानमंत्री कौन आएंगे, तो हमारे साथ मोदी जी के ऊपर में ही हुआ काम, मोदी जी के ऊपर में ही काम काज हुआ है। और इस बार पंडित जी ने भविष्यवाणी भी करी गांधी पार्क के सामने जो पंडित जी बैठते हैं, कि मोदी जी ही 2024 के आने वाले प्रधानमंत्री, और उनका कार्यकाल आपने देखा ही है क्या बढ़िया सा बनवाया है। और ये यहाँ पर रहते हैं, तो मोदी जी का नाम दे सकता हूँ, मोदी जी ने बहुत बढ़िया सा बनवाया है, और राजपुर रोड के वहाँ पर है गांधी पार्क के सामने, और बाहर का व्यू थोड़ा, बाहर का व्यू इतना सुंदर सा है कि आप लोग यहाँ पर बिग बाजार में, बिग बाजार भी है काफी बढ़िया, बिग बाजार स्मार्ट बाजार है, तो बिग बाजार में भी आ सकते हैं काफी बढ़िया से, और काफी अच्छा मार्केट है, डेकोरेशन काफी ब्यूटीफुल से है सर। आप तो आप बिग बाजार में भी आ सकते हैं काफी बढ़िया से, और लाहौरी ज्वेलर्स भी यहाँ पर काफी बढ़िया से, और भारत फैशन का भी है, नारंग एथलेटिक्स का भी है, मुंबई ज्वेलर्स भी है, भारत फैशन का भी है, बिग बाजार बहुत बड़ा एक जगह है काफी बढ़िया से, और हमारे राजपुर रोड से ही काफी बढ़िया आता है, तो सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन में। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन कर, जय हिंद, नमस्कार। आ रहा हूँ, तो मैं चमोली गढ़वाल बारकोट गांव का नारायणगढ़ का रहने वाला हूँ, चमोली गांव एक जगह है, बारकोट गांव मेरा गांव है, और देहरादून में रहता हूँ शिव शक्ति कॉलोनी के वहाँ पर। तो काफ़ी बढ़िया सा हमारे यहाँ पर व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है, बीजेपी की काफ़ी बढ़िया से। तो इस बार आप लोग जब इतना अच्छा कार्यकाल आपको चुनाव से पहले मिल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि लोग मेरे ख्याल से बिल्कुल सच ही बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम करा, तो मेरा वोट फिर भी उसमें रहेगा, सरप्राइज में, क्योंकि मैं यूट्यूबर आता हूँ और मैं किसी का भी समर्थन एकदम से तब तक नहीं बता सकता, लेकिन पंडित जी की भविष्यवाणी सच है जो गांधी बात है, तब तक मेरा वोट थोड़ा सा बंद रहेगा, जिस दिन ओपन हो गया तो काम बात दिखा दिया मैंने आपको कैसे चल रहा है। जय यूट्यूबर विक्रम मंडल का।